गाइस वेलकम टू बैक माय चैनल। तो गाइस कैसे हो, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में। ये जो बिल्डिंग देख रहे हो वो है यहाँ का MRSS बिल्डिंग। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो वो है यहाँ का MRSS बिल्डिंग। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और अभी पूरा नहीं हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हो जेवर एयरपोर्ट काफ़ी तीव्र गति से, बोल सकते हो कि काफ़ी तीव्र गति से डेवलप कर रहे हैं और काफ़ी कंस्ट्रक्शन तेज़ी से चल रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट जो कि अभी पूरी इंडिया का, बोल सकते हो कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा सेक्टर में, नोएडा में। और ये जो बोल सकते हो दिल्ली और UP के बीच सटा हुआ जगह है नोएडा, वहाँ पर। मैं जहाँ अभी हूँ वहाँ पे अभी तीन साइड हैं जो कि आप देख सकते हो। ये MRSS मैंने बताया, सेकंड नंबर OWM एंड STP। आप देख सकते हो सामने वो तीन साइड है जो अभी रेगुलरली कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी तीव्र गति से जारी है। यहाँ पे 24 घंटा काम रेगुलर नॉन स्टॉप चल रहा है, रात दिन लोग इसमें लगे हुए हैं। कितने सारे कॉन्ट्रैक्टर का, मेरे को लगता है 178 बोल तो 178 कॉन्ट्रैक्टर से भी ज़्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं जेवर एयरपोर्ट में। अभी जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उसके अंदर टाटा प्रोजेक्ट चल रही है, उसके अंदर बोल सकते हो अभी तक मैं जब तक रिपोर्टिंग कर रहा हूँ वहाँ पे 178 कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं टोटल। 178 जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है वो टाटा के अंदर काम कर रहे हैं। अभी तक इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए L&T नहीं आया है। हो सकता है L&T कॉन्ट्रैक्ट लिया ही नहीं हो। ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हो कंटेनर रेडी हो रहा है वो है इंडियन ऑयल का कंटेनर। दो कंटेनर ऑलरेडी रेडी हो चुका है, तीसरा में काम जारी है। ये कंटेनर इसलिए बनाया क्योंकि जब एरोप्लेन्स यहाँ आएंगी काफ़ी फ्यूल्स की डिमांड होगी, तो क्योंकि एरोप्लेन्स एक या दो तो यहाँ पे आएंगे नहीं, क्यों कम से कम 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 की क्वांटिटी से भी ज़्यादा एरोप्लेन्स यहाँ पे लैंड और टेक ऑफ करेगी और ऑयल के डिमांड को पूरा किया जाए, इसलिए इस कंटेनर को यहाँ पर रेडी किया जा रहा है। ये जो हमारे पीछे देख रहे हो वो यहाँ पर रेडी हो रहा है रन में। ये आप देख सकते हो कि रनवे का पूरा जो काम है वो काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है। इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए लोग नाइट में भी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन डे में ज़्यादा करते हैं, नाइट में बहुत कम आते हैं लोग। नाइट में कम आने का सबसे बड़ा जो कारण है, अभी ठंडी काफ़ी है तो ठंडी की वजह से लोग काफ़ी कम आते हैं लोग नाइट में, ज़्यादातर साइड देखने। और कुछ तो ऐसी मशीन होती है जो रेगुलर चलती रहती है तो उसको देखने के लिए या देखभाल करने के लिए लोग आते हैं काफ़ी। एयरपोर्ट जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, मतलब बोल सकते हैं सिक्योरिटी बहुत, हर जिधर जाओ हर साइड में आपको सिक्योरिटी दिख जाएगा यहाँ पे। अगर आप इस एयरपोर्ट में विजिट करना चाहते हो तो बिना ID के आप अंदर नहीं आ सकते हो। मेन गेट पर आपको बहुत सारी सिक्योरिटी मिल जाएगी, वहाँ पर आपको ID दिखेगी, उसके बाद आपको इस एयरपोर्ट के अंदर एंट्री होना पड़ेगा। तो गाइस इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें उन हर भारतीयों के पास जिनको मालूम नहीं है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंडिया ही में बन रहा है। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।